फरीदा मंडप माल न लाए, मर्ग सताणी चित तर, साई जाई समाल, जिथे ही तो वंजना। फरीदा जिन्नी कमी नाही गुण, ती कमड़ी विसार, मत शर्मिंदा थी वही, साई दै दरबार। फरीदा साहिब दी कर चाकरी, दिल दी लाहे परांद, दरवेशानू लोड़ी है रुखां दी जीरांद, दरवेशानू लोड़ी है रुखां दी जीरांद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चबर छतर तख्त दे मालक, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतगुरु पातशाह जी दे पावन चरणा दे विच विराजमान गुरु प्यार वाले गुरु सवारे सतसंगी जनों, ये तीन श्लोक ने भगत बाबा फरीद साहब जी के। श्लोक नंबर 58, 59 ते 60 जो भागा वाले आप जी ने सरवण किए ने। आओ वार वार इन पावन श्लोकों आप विचारण का समझण का यतन करते हाँ, जिन्नी क समत सेवा सतगुरु पातशाह आप बख्शिश करके लै लैणगे। फरीदा मंडप माल ना लाई, मंडप शब्द फरीद साहब ते कबीर साहब जी की बाणी बहुत आउंदा। मंडप का अर्थ हुंदा महल माड़ियां, ते माल का अर्थ हुंदा धन। ना लाए का अर्थ है ना ला ना चित इहदे विच धन। हे फरीद, जिहड़ियां परमात्मा ने तैनू आ महल माड़ियां बख्शियां ने, जिहड़ियां उस वाहिगुरु ने तैनूं धन दौलत बख्शिया है, इस नूं अपने जीवन का गुजरान बना के चल, इहदे विच चित ना ला। फरीदा मंडप माल ना लाए, मंडप महल माड़ियां माल धन दौलत विच अपना चित ना ला। पुछया जी क्यों ना लावां, ते अगला उत्तर दिंदे ने मर्ग सताणी। सताणी दा अर्थ हुंदा बहुत ताण वाली, सा ताणी ताण शब्द है गुरमुख। ताण दा अर्थ हुंदा जोर ताकत, सताणी दा अर्थ है बहुत ताकत वाली, मर्ग दा अर्थ है मौत। बाबा फरीद साहब ने ठेठ शब्द वरती पंजाबी दे, कई बार किसी घर जीव चढ़ाई कर जाता सी कहने फलानिया दे मर्ग हो गई, ये आम शब्द आपां वरतदे सी, उन्हां दे मर्ग हो गई। मर्ग दा अर्थ है मौत। कि मंडप माल ना लाए, हे भाई महल माड़ियां ते धन दौलत विच चित ना ला। पुछया जी क्यों ना लावा, मर्ग सताणी, मौत बहुत ताकत वाली है, चित तर, जे तू चित चेते विच धरना है ते इस ताकतवर मौत नू चेते दे विच रख। मर्ग सताणी,
चितता साई जाए समाल। साई जाए समाल अर्थ है जिथे अखीर नू तेनू संभालिया जाना है, कबर स्थान जिथे ही तौ वंजना। कहन लगी साई दी संभाल कर क्योंकि अखीर नू तेनू सब कुछ छड़ के जाना पैना। जे संभाल करनी है तो साई दी कर, उस परमात्मा दी कर। जे चित चेते विच धरना है तो परमात्मा दे नाम नू धर, क्योंकि मौत बड़ी ताकतवर है, एक ना एक दिन आके ये बंदे नू लै जांदी है। हुण गुरमुखो दो गल्लां कहीआं ते असी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की बाणी विच बहुत थावां ते ये उपदेश पातशाह ने सदा सानू बख्शिया भी बंदिया दो चीज़ां सदा अपने चित चेते विच रखी, परमात्मा नू सदा याद रखना है ते मौत नू कदे विसारना नहीं। दो गल्लां बाबा जी गुरमुखो वार वार कहिंदे ने बाणी च, रब नू सदा याद रखना है ते मौत नू कदे भुलाउणा नहीं। उहदा कारण सी रब नू सदा चेते रखेगा ते तेरा मन कदे भी कमज़ोर नहीं पाएगा, क्योंकि गुरु ने एक दात तेनू बख्शी है, वो परमात्मा हर थान दे उत्ते हर वेले सदा तेरे नाल है। इस करके जे परमात्मा नू चेते रखेगा तेरा मन कदे कमज़ोर नहीं पवेगा, तेरा मन कदे डरेगा नहीं। ते दूजा वचन क्या, मौत नू चेते रखी, मौत नू चेते रखेगा ते तेरा मन कदे लालची ते बेईमान नहीं होवेगा। तां क्या जी दो गल्लां याद, रब नू चेते रखना, रब नू कदे भुलना नहीं, ते मौत नू चेते रखना। रब नू ना भुलीए ते रब सदा नाल है, बंदा हौसले नाल कम करदा है, क्योंकि वह परमात्मा मेरे सिर ते खड़ा है। ते गुरमुखो मौत नू कदे ना भुलीए ते चेता करो, मन विच लालच ते बेईमानी नहीं पैदा होंदी, क्योंकि बंदे नू समझे बंदिया सोने तू आता इट्टां गारे दे घर बना के तू लालच करदा पिया, इस संसार ते वह भी चले गए जिन्हां ने सोने दे किले संसार ते बना ले सन। गुरमुखो मौत नू चेते रखीए ते लालच नहीं आउंदा, बेईमानी नहीं मन च आउंदी। इस करके बाबा जी ने कहा मंडप माल ना लाए, धन विच महल माड़ियां च चित ना ला, मर्ग सताणी चित धर। जे चित विच धरना है, जे चित विच याद रखना है ते ताकतवर मौत नू रख। मर्ग सताणी है बड़ी, साई जाए समाल जिथे ही तौ मंजना। कहन लगे देख जा के साई दी संभाल कर, अखीर नू मौत ने तेनू अपने आप विच ग्रस लेना, उन्हें तेनू रहन नहीं संसार दे उपर देना। अगला बचन क्या, फरीदा फिर करां की। ते अगला श्लोक कहिंदे ने फरीद साहब, फरीदा जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े विसार। विसार दा अर्थ उन्हां नू छड दे, उन्हां नू भुल जा। जिहड़े काम करन विच तेरे अंदर कोई गुण नहीं पैदा होंदा, जिहड़े काम कीतिआं जिंदगी च कदे कोई गुण नहीं पैदा होया, गुण दा अर्थ है चंगियाई नहीं पैदा होई, उन्हां सारे कम्मां नू भुल जा। अर्थ की बणिआ गुरमुखो, जदों बंदिआं तू कोई काम करदा ते कमड़े विसार। कहन लगे जदों तू काम करदा, काम करन तों पहलां तू ये सोचना है ये विच्चों मैनू प्राप्त की होगा, ये विच्चों की वाधा होगा मेरी जिंदगी जी। पातशाह कहिंदे जे तू औगणा नू ही इकट्ठा करी जाएगा, मन च विचारेगा नहीं, कम तू करी जाना पर तू विचारदा ही नहीं, चंगा हो रहा है माड़ा हो रहा है, लुट हो रही है बेईमानी हो रही है सेवा हो रही है, विचारदा ही नहीं। कहन लगे एक ना एक दिन तेरे कोले औगणा दी पंड बन जाएगी, औगणा दी पंड बन जाएगी, ते उस परमात्मा दे दरबार जेड़े पापां दी पंड लैके जांदे ने उन्हां दा मूंह काला हुंदा,
ਥਾਂ ਪਾਉਂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਥਾਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਗੁਣ ਅਤੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਓ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਮਾਹੀ ਜੀਓ, ਅਵਗੁਣ ਛੋਟ ਗੁਣਾ ਕੋ ਧਾਵੋ ਕਰ ਅਵਗੁਣ ਪਛਤਾਹੀ ਜੀਓ। ਅਵਗੁਣ ਛੋੜ, ਆਹ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੈ ਗੁਣ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਵਗੁਣ ਛੋੜ ਗੁਣਾ ਕੋ ਧਾਵੋ, ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਵ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਕੜ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਕਰ ਅਵਗੁਣ ਪਛਤਾਹੀ ਜੀਓ, ਔਗਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰ ਅਪਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਸਰ ਅਪਸਰ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ। ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਅਪਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੀ ਚ ਬੁਢਾਹੀ ਜੀਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਫਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਅਪਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੀ 'ਚ ਬੜਾਹੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕੈਸੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਸਰੀਰ ਮੈਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਸਰੀਰ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਸਰੀਰ ਮੈਂ, ਮੈਜਣ ਦੇਖ ਭੁਲੰਨ, ਮੈਜਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੋਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੋਤੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਾਹਦੇ ਵਰਗਾ, ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ। ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਸਰੀਰ ਮੈਂ, ਮੈਜਣ ਦੇਖ ਭੁਲੰਨ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੋਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇ ਫਲ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਤੇ ਉਸ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ, ਉਹਦੇ ਫਲ ਵੀ ਸੋਹਣੇ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਸੋਹਣੇ, ਪਰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਨਾ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਫਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਫੁੱਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਏ। ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਰੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਅਮੀਰ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਤੋਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਮਿਟ ਗਏ। ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਰੋਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਲਾਲਚੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਖੋਰ ਕ੍ਰੋਧੀ ਕਾਮੀ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਰੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਸਰੀਰ ਮੈਂ, ਮਹਿਜਣ ਦੇਖ ਭੁਲੰਨ, ਸੇ ਫਲ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਣੀ, ਤੇ ਗੁਣ ਮੈਂ
तन हन। कहन लगे पातशाह एहो जे गुण ने मेरे अंदर तो ज्यो जे गुण सिंबल दे रुख दे विच ने, तह गुण मैं तन हन मेरे कोले ते एहो जे गुण ने, आ गुण ने गुरमुख बंदे दे अंदर। पर गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहिंदे ये गुण नहीं है, सिंबल दा रुख भावें ये बाहर दी दिखावट नूं गुण मन्नी बैठा है, ते तू भी अपने बाहर दे सोहने कपड़ियां नूं बाहर दे दिखावे नूं गुण मन के बैठा है। पर पातशाह कहिंदे रब दे दरबार विच ये औगुण मन्ने जांदे। सच्ची गल गुरमुखो है वैसे यही साड़ी हालत है बंदे दी सिंबल दे रुख वर्गी भी, ये अपनियां बुराइयां नूं अपनियां चंगियाइयां मन के बैठा है। जिवें एक ना बचन गुरु नानक साहिब पातशाह ने माहू राग नूं चेते आ गया, माहू राग दे विच कहा गुरु नानक साहिब पातशाह कहिंदे देखो बंदे दी हालत है कि जदों असीं ओह बचन पढ़दे हाँ करनी कागत मनमस वाणी बुरा भला दो लेख पाए ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चली है तौ गुण नाहीं अंत हरे चित चेतस की नहीं बावरिया हर बिसत तेरे गुण गलिया। हरी नूं विसार देगा ते तेरे अंदर जे गुण गलने शुरू हो जाणगे, हर बिसत तेरे गुण गलिया। गुरमुखो परमात्मा नूं याद रखिए ते गुण पैदा हुंदे ने, रब नूं भुल जाइए ते गुण खत्म होने शुरू हो जाते हैं। उत्ते क्या करनी फिर क्या काया आहरन मन विच लोहा पंच अगण तित लाग रही कोयले पाप पड़े सिर ऊपर। बहुत कीमती बचन है, कोयले पाप पड़े सिर ऊपर मन जलिया सनी चिंत पई। सतगुरु पातशाह कहिंदे बंदा है ना ये गुरमुख किसी ना ठगी करता है, मानो किसी ना बेईमानी करता है, तो अपने ये नहीं कहता मैं बहुत माड़ा किया बेईमानी कर ली, अपने अंदर ही अंदर खुश होंदा भी चला भी कोई नहीं मेरे वर्गा, कहता कि नहीं कहता है मेरे वर्गा तो चला की कोई नहीं, किसी दे नाल कपट करदा बेईमानी करदा तो पछताउंदा नहीं, मन ही मन कहता मेरे वर्गा तो सियाणा चतरी कोई नहीं। सतगुरु पातशाह कहिंदे आही ते सिंबल दे रुख दी कहानी है, सिंबल दा रुख अपने बाहर दे दिखावे नूं ही गुण मन्नी बैठा है, ते बंदिया तू भी अपनियां बेईमानियां अपनियां चलापियां नूं गुण मन्नी बैठा है। पर ये गल चेता रखी ए मन चंचला चुतराई किने ना पाया, ऐ मेरे चंचल मना ये गल चेता रखी चतरावां नूं चलाकां नूं कदे रब नहीं जी मिलिया। वो तो भोले पाए मिले रगराया है, वो तो भोलिया पालिया मिलता है, ये बंदा चतर चलाकियां करके पाना चाहता है जी। इस करके गुरु नानक साहिब पातशाह कहिंदे औगणा नूं गुणना मन इन्हां औगण ही मन, जड़ तक तू अपनियां बुराइयां नूं चंगियाइयां मनदा रहेगा अपने औगणा नूं गुण मनदा रहेगा, केवल अंदर ना झाती मार के बाहर दे दिखावे नूं सब कुछ मनदा रहेगा। चेता रखी सिंबल दे रुख वर्गा जिंदगी बन जाए कीमत इहदी कोई नहीं पैणी। फिर सतगुरु पातशाह की करां ते गुरु नानक साहिब पातशाह कहिंदे फिर जे कुछ करना चाहुणा है ना ते सांझ गुणा का होवै वासला कड वासले च। अज गल आपां गुण औगुणा दी करदे आं कि जिन्नी कमी ना है। बाबा जी ने कहा गुरमुखां दे कोल बैठी जा के इको ही तरीका है गुरमुखो औगणा नूं गुण च बदलन दा, नकम्मेपण नूं चंगियाई विच बदलन दी इको थां है गुरु की संगत, होर दूजी कोई थां नहीं जी। दुनियावी स्कूलां च जावांगे तां सानूं वपारी चंगा, दुनियावी स्कूल सानूं वपारी चंगा बना सकदा, सानूं डॉक्टर चंगा बना सकदा, इंजीनियर नेता बना सकता है, पर चंगा इंसान बनने दे लई गुरु दे स्कूल सतसंगत विच आना पएगा। सतसंगत तो बिना गुरमुखो कोई पर उपकारी नहीं बनता, सत गुरु की संगत तो बिना कोई दानी नहीं बनता, गुरु की संगत तो बिना कोई ब्रह्म ज्ञानी ते सबर संतोखी नहीं बनता। सबर संतोखी पर उपकारी गुरु की संगत विच्चों ही पैदा होंदे ने, डॉक्टर इंजीनियर लीडर लोग स्कूलों विच्चों पैदा होंदे। आ फर्क है जी बहुत बड़ा। आम तौर पर ना कई आप कह देना जी गुरुद्वारा का की करना, स्कूल होने चाहिए ने भी स्कूल जिहड़ी चीज़ गुरुद्वारे विच्चों पैदा होनी स्कूलों थोड़ा पैदा होनी
कई कई बार साढ़े जिहड़े बहुते पढ़े लिखे ने गुरमुखो इदा कहणगे स्कूल होने चाहिए ने जी, भी असी कदों कहा भी स्कूल नहीं होने चाहिए। कई कहणगे इदा गुरद्वारे की गोलख इन्हां नूं चुक लैणी चाहिए, ये लड़ाई है सारी पाउंदी है। लड़ाई गुरद्वारे की गोलख नहीं पाउंदी, लड़ाई साढ़े अंदर का हंकार पाउंदा है भी कोई मेरे वर्गा सियाणा ही कोई नहीं। इदा हुंदा है ना, गुरु की गोलख तो परोपकार करती है जी, किन्नियां नूं भुखियां नूं खाना मिलता है, रहण नूं टिकाणा मिलता है, गुरु की गोलख के अनुसार ही चलदा। चलो खैर, तो बाबा जी ने बाणी च क्या कहन लगे, करना तो सिखा आ काम कर। की काम कर? गुरु की संगत में जाई। जो गुरु की संगत जाएगा ना, फिर गुणा का होवै वासला। वासला का अर्थ है डब्बा। कहन लगे तेनू गुरमुखां दे कोल खुशबुआं दा गुणा दा एक डब्बा मिलेगा, तेन कढ़ वास लई जाए। तो जे गुणा का डब्बा मिल जाए ना, उहदे विच्चों कुछ ना कुछ वासना कढ़ लई दी है, कुछ गुण कढ़ लई दे ने। गुरबाणी गुरमुखों ओ खजाना है गुणा दा। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहिंदे इहदे विच्चों कुछ ना कुछ गुण अपने लई कढ़ लै। गुणा का होवै वासला कढ़ वास लई जाए। ना सतगुरु पातशाह ने कहा जे गुण होवन, जे तू अच्छा आ शब्द असीं पढ़ते ना विश्राम बहुत गलत लाने, असीं विश्राम किदा लाने, जे गुण होवन साजना मिल सांझ करी जाए। जे गुण होवन साजना, साजना ते विश्राम नहीं लगता जी, अर्थ गलत हो जाएंगे। जे गुण होवन, जे तू चाहना तेरे अंदर गुण पैदा हो, थोड़े अर्थ समझो जे, फिर ये सही आएगा विश्राम। जे गुण होवन, रुक के, जे तू चाहना तेरे अंदर भी गुण पैदा हो, साजना मिल, साजना दे नाल मिल के सांझ करी जाए, चंगे गुणा की सांझ कर। साजना मिल, साजना का की अर्थ है, सतसंगी जन, सतसंगी जनी साजना नू मिल के सांझ करी जाए, चंगे गुणा की सांझ करिया कर। जे गुण होवन साजना मिल, सांझ करी जाए, सांझ करी जाए गुणा केरी। तैनू गुरु जी ये समझा रहे ने, जदों भी सांझ करनी है गुणा की करनी है, जदों भी मिल के बैठना है गुरु की संगत, गुरु के सिखा ने उत्थे गल्लां गुरबाणी दियां, सतसंगत दियां, गुरु दे प्रेम दियां करनियां ने, ना कि गुरमुखो आण गुआंढ दियां निंदिया चुगली करनी है। तां पाछे का सांझ करी जाए, सांझ कादी करनी है जी, गुणा दी सांझ करनी है। ये नहीं है कि दो बंदे बैठे तो किसी तीजे की खलड़ी आपां उधेड़न लग जाइए भी आओ हुण इहदियां गल्लां करदे, अक्सर असीं इही करदे हां। पर गुरमुखो एक गल सदा चेते रख्या करो कि साढ़े कोले इन्ना खाली समा है, कि साढ़े कोले गुरमुखो इन्ना क सवास है ने, तुहानू भरोसा है सानू सारिआं नू वी इन्ने सवास मेरे कोले है न, वी कोई गल नहीं हुण निंदिया करदे आ बुढ़े जे होवांगे ते नाम जप लांगे, नहीं चेता करो। ये तां असीं उडीकदे पए आ, मौत कदे उमर नहीं उडीकदी, ये तां सानू ही है ना भी हुण आ काम कर। आप कहने आ पहले दो घंटे आ करते हैं तो उस तो बाद आ काम कर लाँगे, यदा अर्थ कि सानू पता भी शाम तक रहांगे। पर गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहिंदे चंगे चंगे पहला कर ला, चंगे काम पहला कर। की पता है जदों नू तू बुराइयां करदा करदा तेनू मौत आ जाए, चंगे तेरे विच ही रह जाण, क्योंकि ये तो सच है ना कि परमा गुरमुखों बाबा जी ने बाणी च क्या कहन लगे, ये गल चेता करी, मानस बपरा मूसा किनो मीच बलैया खइया रे। वह बैठा हुंदा कबूतर बनेरे दे उपर ते उड़ारियां मारदा, पर बिल्ले दा कोई पता नहीं झपट मार के कदों खा जाए। तू उड़ारियां जियां मारदा है, मौत दा की पता करो झपट मार के तेनू खा लवे। हर जपदियां खिन ढिलना कीचई मेरी जिंदड़ीए, क्यों मत जापै हर शाह आवै के ना आवे, राम की पता साह आना कि नहीं आना। चंगे कम पहला करना, चंगे पहला कर, इदा करके। तो गुरु पातशाह कहिंदे ने सांझ करी जाए,
गुणा केरी, जदों भी सिख ने बैठना गुणा की सांझ करनी, बुराइयां की सांझ नहीं करनी। गुरमुखो कर अवगुण, पातशाह कहिंदे सांझ करीजै गुणा केरी, छोड़ अवगुण चली है, पहरे पटंबर कर अडंबर अपना पिड़ मली है। पहरे पटंबर, पटंबर की हुंदा? पट अंबर, रेशम के कपड़े। पहले अर्थ पहन के, कहन लगे जिंदगी च रेशम वर्ग कपड़े पहन के दा अर्थ है रेशम वर्गा मुलायम हिरदा बना के अपना। पहरे पटंबर कर अडंबर, अडंबर को तैयारी करके पूरी सोहना हिरदा बना के अपना पिड़ मलीए, जिंदगी दी बाजी नू जित लईए, पिड़ नू मिंद लईए। ये करिया कर भाई। इस करके बाबा जी ने बाणी च कहा, फरीदा जिन्नी कमी ना है गुण, जिन्ना कम्मां दे विच चंगियाइयां नहीं हन, जिन्ना कम्मां दे विच गुण नहीं हन, पातशाह कहिंदे ते कमड़े विसार, उन्हां कमड़ियां नूं भुल जा, विसार दे छड्ड दे। इहदा अर्थ गुरमुखो ये है कि काम करन तों पहला असी ये देखना ये चंगापन की है ते बुरापन की है। जिवें ना मैं एक दिन शायद तुहानू काफ़ी समय पहला सुनाई, पता नहीं शाम नू कि सवेरे, साडे बच्चे बाहर गए ने ते उत्थे जिहड़े बच्चे गए ने दूजी तीजी पीढ़ी हो गई है हुण तां, वो जन्म होया पोतियां दा उधर ते दादा मिलन गया इधरों पोतियां नू। हुण साडा सुभा इदा ही हुंदा है वी जो कुछ कल्ले नहीं जांदे, नाल बड़ा कुछ चक्की भी जांदे आ, नाल आदतां ऊतां सब कुछ चक्की जांदे आ नाल, आपां छड्डदा बंदा कुछ नहीं है। इदां उह दो छोटे, एक 5 साल दा, एक 7 साल दा, उह दादा जिहनूं कहिंदे दादा जी घुम के आउणा आपां, उह बच्चिआं नाल ना दादा घुम्मण, हुण दादा इधर ला ते पोते उधर ले, वो जो कमाउण लगाए ना तो टिकट लगे बच्चों की, उत्थे लिखिया सी भी 3 साल 4 साल तो उपर वाले बच्चों की पूरी टिकट। हुण अपना सुभा है खासकर अपने लोगों का कि जे 4 साल का तो जो 4 पैसे बचते हैं 3 साल का कह दो भी, साल का तो फर्क चल जाता गप गुप मार के, चलो जो 4 पैसे बचते हैं। वो टिकट लगे ते दादा कहन लगा पोते नू, कहन लगा पुत्तर इंज करी भी तू कह दी 4 साल दा मैं, अपने 2-4 डॉलर बच जाणगे। वो कहन लगा दादा जी भी टिकट आपां लैणी है पार्क दी ते 4, मेरी तो उम्र ही 5 साल दी है, मैं तो 5 ईयर दा हाँ। वो कहिंदा पुत्त 4 दा बोल दी फिर की हुंदा, वो हुण बच्चा उधर ला सी। वो कहन लगे दादा जी आपां आए करदे आ, झूठ बोलना पएगा। वो कहिंदा झूठ बोलना पएगा मैनू 5 साल का बच्चा? कहिंदा हाँ। कहिंदे दादा जी फिर आए करदे आ भी आपां झूठ नहीं बोलना, पार्क देखो नहीं रहन दिंदे आ। देखो वो बच्चा किन्ना पवित्र है ना, वो कहिंदा भी जे पार्क देखण लई झूठ बोलना पै रहा है तो आपां पार्क नहीं देखते, आपां झूठ नहीं बोलना। तो असी सिक्ख्या की दिने हुंने वड्डे वड्डे चंगे पला बंदा कहिंदा जे पुत 4 पैसे बचदे ने गल ही कोई नहीं। इहदा अर्थ ये बनता है कि असी खुद बच्चों नूं झूठ बोलना सिखा रहे हैं। ये शुरुआत गुरमुखो इदा ही हुंदी है। छोटा जिहा बच्चा स्कूल तो आउंदा, असी उहदा बैग फरोलदे हाँ, बैग फरोल के देखते हैं आ चीज़ असी तां दित्ती लैके कोई नहीं, कित्थों लैके आया बच्चा है, सोचना चाहिए माँ प्यो नूं। अज समस्या बहुत वड्डी हो गई है, साडा बच्चा स्कूल बैग दे विच्चों कोई वस्तु लैके आउंदा, असी तो लैके दित्ती नहीं, पता करो कित्थों लैके आउंदा। कोई वड्डे बच्चे भी स्कूलों पढ़न जांदे ने बाहर, जिन्ना असी बच्चियां नूं खर्च दे रहे हाँ पता करिए भी बच्चा उस तो कई गुणा वध खर्च करी जांदा, पैसे कित्थों लैके आउंदा। असी क्योंकि कोमल हिरदे ने ना, गुरमुखो ख्याल असी करना, ये छोटियां छोटियां जड़ियां होंदियां ने ना वो फिर चीज़ां वड्डियां बन जांदियां, ते शुरुआत असी वड्डे ही सिखाउणे आ। इदां इस करके बाबा जी ने कहा जिहड़े कम्मां विच्चों गुण नहीं ना पैदा हुंदा वो कम छड्ड दे बंदिया, जिहड़े कम्मां विच्चों चंगियाई नहीं ना पैदा हो रही वो कम छड्ड दे, जिहड़े कम्मां विच्चों बेईमानी पैदा हो रही है, जिहड़े कम दे विच्चों लालच पैदा हो रहा है,
जिहड़े काम दे विच्चों निंदिया चुगली पैदा हो रही है वह काम तो छड दे सारे। जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े विसार मत शर्मिंदा थी मही। बुद्ध जी दे कोल कोई गया पर ये समाप्ति आप बुद्ध जी बैठे जंगल दे विच ते नाल दे पिंड दा मूहरी आ गया मुखी। हुण साडा सुभाअ हुंदा असी कुछ ना कुछ गल्लां करन लग पैंदे। उन्हें कहा बुद्ध जी ओ मैं अमीर बंदा देखिया बड़ा बेईमान है, लोगों नूं ठगदा है, धोखा करदा, बेईमानी करदा। बुद्ध जी कहन लगे भाई तू उस बंदे की निंदिया, ये साढ़े काम आने वाली कहानी है सारे की, तू उस बंदे की निंदिया मेरे कोले कर रहा, तैनू कोई लाभ होगा? कहन लगा बुद्ध जी मैनू तां की लाभ होना है, सोचा करके ना जो मैं निंदा किसी की करना मैं कि लाभ होना, तू ओदियां बुराइयां कर रहे हैं मेरे को, तैनू कोई लाभ होने वाला वो वा? कह लगा जी नहीं। अच्छा जिहदी बुराई कर रहे हैं उन्हों कोई फर्क पैन वाला है? कहिंदा जी उन्हें किहड़ा सुनी है गल, इस करके उन्हों भी कोई फर्क नहीं पैन वाला। बुद्ध जी कहन लगे तू बुराई करदा तैनू लाभ कोई नहीं होना, जिहदी बुराई करदा उन्हों फायदा कोई नहीं होना, ते तीजा जिहदे कोले करदा पिया मेरा ध्यान ही कोई नहीं, पर दस इहदे विचों लाभ की है? ते गुरमुखो साडी बहुती गल इदां ही हुंदी है, तीन तीन चार चार घंटे बैठे आपां गल्लां इदियां नहीं करदे, निकलदा कुख नहीं उहदे विचों। इस करके क्या ते कमड़े विसार उहनां कम्मां नूं विसार दे, मत शर्मिंदा थीवें, मता तैनूं परमेश्वर दे दर ते शर्मिंदगी उठाउणी पवे, सिर नीवा करना पवे। साईं दा दरबार उस सच्चे दे दरबार विच जे औगण लै के जाएगा ना, पाप लै के जाएगा, बुराइयां लै के जाएगा, ते उस परमात्मा दे दरबार विच फिर सिर नीवा होवेगा। सतगुरु पातशाह कृपा करन भुलना चुकां दी खिमा, फतेह बुलाओ आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।